हेलो एवरीवन, दिस इज करण इन फ्रंट ऑफ यू वंस अगेन। तो देखिए भाई, देखिए हमने ओम स्लो कर लिया था, है ना। आज नए अंदाज में पढ़ाएंगे, थोड़ा सा मजे करेंगे। आज ओम स्लो कर लिया। ओम स्लो की अभी रिसेंटली वीडियो अपलोड करी थी, उसके बाद जो है ना ओम स्लो में लास्ट में मैंने जो ग्राफ करा रहा था, मैंने बोला था उसको बहुत जल्दी जल्दी करा दिया था, तो ग्राफ को कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे ना। तो ओम स्लो से रिलेटेड ग्राफ पढ़ेंगे कि ग्राफ कैसा होता है ओम स्लो में, है ना। तो जरा देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, मेरे साथ आइएगा। ये तो ओम्स लॉ था। ओम्स लॉ क्या था भाई? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यही तो था। दैट इज V इक्वल टू आई आर, ये आया था अपने पास ओम्स लॉ। और अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, V इज इक्वल टू आर इंटू, इसमें कोई बुरी बात भाई मालूम है ना। टू का इंटू थ्री में करो तो भी सिक्स आता है, और थ्री का इंटू टू में करो तो भी सिक्स आता है, एक ही बात है ये। तो आप आई का इंटू आर में करो या फिर आर का इंटू आई में करो, एक ही बात है भाई। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये दोनों चीजें एक ही हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ग्राफ कैसे होता है। तो देखिए हम ग्राफ पढ़ेंगे वी एंड आई में। कोई बोले आई एंड वी में नहीं पढ़ सकते, मैंने बोला पढ़ सकते हैं। तो पहले वी एंड आई देख लेते हैं, फिर आई एंड वी भी देख लेंगे, ठीक है। तो जरा समझिएगा, आपको मैं बता चुका था व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज नथिंग, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, और यू कैन से इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। मटेरियल की एक और प्रॉपर्टी निकल के आएगी जब हम रेजिस्टेंस को सेपरेटली पढ़ेंगे, है ना। उसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, तो वो अब आगे आएगी जब हम बात करेंगे। तो मैं रेजिस्टेंस को डिफाइन कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस इज व्हाट? प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर जो कि क्या करती है, जो क्या करती है, अपोजेस द, अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। चलो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रोक देता है कंडक्टर में, है ना, या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हो। चलो हम इसको ऐसे ना कहेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही कह देते हैं, क्योंकि करंट तो जरूरी थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही फ्लो करे, करंट तो आयंस के फ्लो की वजह से भी फ्लो कर सकता है। समझ में आ रही है? तो सिंपल सा फंडा, करंट को फ्लो करना, चार्ज शुड बी फ्लो देयर। चार्ज को फ्लो होना चाहिए। चार्ज का फ्लो वो कोई भी चार्ज स्पीसीज हो सकती है, यानी आयंस भी हो सकते हैं। अगली बात समझ में, तो आगे चलते हैं। तो देखिए जो हम मुद्दा है उसकी बात करेंगे, इधर उधर नहीं भटकेंगे। तो मुद्दा क्या है? ग्राफ बिटवीन वी एंड आई। तो मैंने उस दिन भी आपको थोड़ा सा बताया था, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो आपको मालूम है दो एक्सेस होती हैं, ग्राफ दो एक्सेस होती हैं। तो एक एक्सेस होती है एक्स एक्सेस और एक होती है वाई एक्सेस। तो यहां पर जो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को हम कंसिडर करेंगे वी एंड आई में बनाना है, तो जो वाई एक्सेस है उसको वी कंसिडर कर लिया। क्या कर लिया? वी कंसिडर कर लिया, और एक्स एक्सेस को एज करेंट एक्सेस कंसिडर कर लिया, और ये है वोल्टेज एक्सेस। क्या है? वोल्टेज एक्सेस। इस एक्सिस पर वोल्टेज बढ़ेगा और इस एक्सिस पर करंट बढ़ेगा। आगे बात समझना, तो जरा समझिएगा मेरी बात को। यहां से मैं रेजिस्टेंस निकाल के दिखाता हूं आपको। पहले रेजिस्टेंस क्या आएगा? V अपॉन I, यही तो आएगा। इस बात को ध्यान में रखिए, इसका इस्तेमाल अभी हम करेंगे, ठीक है। तो जरा समझिए, एक्चुअल में ये जो डायरेक्ट रिलेशन आपको दिख रहा है ना, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और यू कैन से आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। इसका मतलब होता है क्या है कि ये जो है इनका जो ग्राफ आता है वो एक लीनियर ग्राफ आता है और एक स्ट्रेट लाइन आती है। समझ में आ रही है? क्योंकि इनमें एक कांस्टेंट जनरेट होता है। इफ यू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन देन यू विल गेट अ कांस्टेंट। यू गेटिंग? आपने इस साइन को हटाया था, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया था, तभी तो आपको आपके पास एक कांस्टेंट आया था, दैट इज रेजिस्टेंस। क्या आया था? रेजिस्टेंस। जब तक आप किसी कंडक्टर को नहीं बदलोगे तब तक रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा। इफ यू हैव अ पर्टिकुलर कंडक्टर ऑफ पर्टिकुलर लेंथ एंड पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, तो क्या है? आपका रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा। समझ में आ रही है ना? मान के चलिए आपके पास ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर है, ये कॉपर का है। किसका है? कॉपर का है। अगर ये कंडक्टर कॉपर का है और इसकी लेंथ एल है और इसका क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ए है, तो अगर ये हमेशा ऐसे ही रखेंगे, कॉपर का ही लेंगे, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा, जो रेजिस्टेंस होगा वो कभी बदलेगा नहीं, रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट ही रहेगा। तो यहां पर एक ऐसे केस में रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, तो ये इसी केस की यहाँ पे बात हो रही है। समझ में आ गई मेरी बात? तो जरा आगे समझिएगा इस बात को, जरा समझते चलिएगा मेरे साथ, मैं आपको समझाते चलूंगा। मेरे साथ चलिए और सीखते चलिए, मैं सिखाते चलूंगा। आ रही है बात समझ? तो जरा समझिए। तो एक्चुअल में जब ऐसी कंडीशन होती है तो ग्राफ जो है ऐसे जाता है भाई। कैसे जाता है? ऐसे जाता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। देखिए जरा मैं आपको समझाता हूँ। आपने जब लाइंस पढ़ी होंगी, आपने अभी आप 11th क्लास में तो हो नहीं, लेकिन फिर भी जब लाइंस होती है ना, ये लाइन की इक्वेशन ही एक तरीके से, क्या है ये? लाइन की इक्वेशन ये, V इज इक्वल टू आर आई जो आपको दिख रहा है ना, आर आई यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर जीरो लिख देता हूँ मैं। तो ये जो है ना, क्योंकि यहाँ पर V एंड I
ये दोनों क्या है, वेरिएबल है, क्या है वेरिएबल, और ये आपका कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है, समझ में आ रही है, ये दोनों वेरिएबल है ये कांस्टेंट है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्या है भाई एक लीनियर इक्वेशन है, इसमें डिग्री जो डिग्री है वन है, डिग्री क्या है वन है, वेरिएबल्स की डिग्री क्या है वन है, इसीलिए एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है तो ये कैसा ग्राफ देगी, लीनियर ग्राफ देगी, कैसा देगी लीनियर ग्राफ देगी, लीनियर ग्राफ इन द सेंस एक स्ट्रेट लाइन आएगी, क्या आएगी स्ट्रेट लाइन आएगी, ये स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है वो भी मैं आपको समझाता हूँ, इतना समझ में आ गया तो हम अब आगे बढ़ रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा मेरे को स्पेस की जरूरत पड़ेगी तो मैं ये सब इरेज कर रहा हूँ ऊपर से, ठीक है, तो ये स्पेस की बहुत जरूरत पड़ती है समझाने के लिए, तो ये हमें इरेज करना पड़ता है, आपको राइट डाउन साथ के साथ करते रहना, पेन और कॉपी लेके बैठिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, आपने ये पहले समझा बेसक होगा उससे ज्यादा समझ में आ जाएगा, समझ में आ रही है, तो जरा इसको समझ के चलिएगा मेरे साथ चलिएगा और सीखते चलिएगा, है ना, तो जरा देखिए लीनियर ग्राफ बन गया, लीनियर ग्राफ का मतलब होता है स्ट्रेट ग्राफ से, किससे होता है स्ट्रेट, एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई का मतलब बताया था, क्योंकि एज पर ओम्स लॉ पढ़ रहे हैं, ओम्स लॉ के हिसाब से ही तो हम बना रहे हैं, तो इसका मतलब यह है अगर आप आई को इंक्रीज करते हो तो वी, आई को नहीं V को इंक्रीज करते हो, किसको इंक्रीज करते हैं, वोल्टेज बढ़ाते हैं तभी तो करंट बढ़ता है भाई, तो वोल्टेज को जब आप इंक्रीज करते हो तो करंट बढ़ता था, देखा था, और ये एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर मैनर में बढ़ रहे थे ना, अगर मान के चलो अगर आप इसको डबल कर दो, किसको डबल कर दो वोल्टेज को डबल कर दो, तो ये भी तो डबल हो रहा था, यही इसका मतलब ये है, अगर आप वोल्टेज को हाफ कर दोगे तो करंट हाफ हो जाएगा, समझ में आ रही है, तो अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे आई बढ़ेगा और वोल्टेज गिराओगे तो आई भी गिर जाएगा, समझ में आ रही है, तो इस तरीके से काम कर रहा था, समझ में आ रही है, तो ये जो लीनियर लाइन है ना, ये लीनियर लाइन है, इस पर यही है, देखो कोई भी पॉइंट पकड़ो, ये पॉइंट पकड़ो, तो मैंने मानो चलो ए पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट पर आप देखिएगा, इस पॉइंट पर आप देखिएगा, देखिए ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट, तो ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली जो वैल्यू है, जरा समझिएगा मैं दूसरा कलर यूज करूंगा, तो ये दोनों जो वैल्यू आपको दिख रही है, ये जो है ये वाली एक्सिस किसकी वैल्यू देगी वोल्टेज की, दैट इज वी, दैट इज वी, और ये वाली आपको देगी करंट की वैल्यू, समझ में आ रही है, देखो करंट इतना है इस पॉइंट पर, इस ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पर जो करंट है इतना है और वोल्टेज इतना है, मैं देखिए आगे चला, मैं आगे चला इस ग्राफ में, मैं आगे चला, मैंने पॉइंट बी ले लिया, क्या ले लिया पॉइंट बी ले लिया, जरा देखिए मैं पॉइंट बी ले रहा हूं, देखिए मैं आगे चल गया ना, मैं आगे चल गया, पॉइंट मैंने बी ले लिया, क्या ले लिया पॉइंट बी ले लिया, तो देखिए पॉइंट बी पर आप देखिएगा, देखिएगा पॉइंट बी पर, पॉइंट बी पर आप देखिए, पॉइंट बी पर जब आप देखोगे, पॉइंट बी पर जब आप देखोगे तो देखिए करंट बड़ा है, करंट बढ़ गया है, करंट अब कितना हो गया, इतना हो गया, ये आई था तो ये आई डैश हो गया, समझ में आई, और आप अगर इसको भी देखोगे ध्यान से तो ये जो वोल्टेज था वो भी बढ़ गया है, अब ये V ना रहकर V डैश हो गया है, समझ में आ रही है मेरी बात, ये V, ये मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, इसकी अब जरूरत नहीं है, ये V ना रहकर क्या हो गया, V डैश हो गया, क्या हो गया भाई, V डैश हो गया, V डैश हो गया, तो आप समझोगे कि जैसे ही मैं आगे बढ़ा, जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो इस B पॉइंट पर मैंने क्या देखा, मैं ऐसे चला, B पॉइंट पर मैंने देखा कि B पॉइंट पर पोटेंशियल बढ़ा, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ अगर आपने पोटेंशियल बढ़ाया तो करंट बढ़ना चाहिए कि नहीं, तो देखिए आपको ग्राफ से ही पता चल रहा है, आप नीचे करके लेके आइए एक्सिस पर, तो आपको पता चलेगा आपने अगर वोल्टेज को बढ़ाया तो करंट भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, आप और आगे भी देख सकते हो, जैसे आप सी पॉइंट पर देखो तो सी पॉइंट पर भी आप देखोगे, सी पॉइंट पर भी आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, देखिए आपको वी बढ़ गया, आपने वी को और बढ़ा दिया, आपने वी को वी डबल डैश कर दिया, तो देखिए जो आई होगा ना वो आपका आई भी बढ़ ही जाएगा, देखिए आई बढ़ गया, ये आपका आई हो गया आई डबल डैश, आगे बात समझ, कोई बोला आप तो बढ़ाई जा रहे हो कम करके तो दिखाओ, मैंने बोला लो कम कर देते हैं, देखो कम कर दिया, कम कर दिया, ये डी पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट पर आप देखो आपने वी को कम कर दिया, इसको वी वन कर दिया, तो जो करंट है देखो करंट भी कम हो गया, करंट कितना हो गया आई वन, आगे बात समझ में, आगे बोलो, तो इस तरीके से ग्राफ जो है लीनियर क्यों है समझ में आ रहा है, देखो लीनियर चेंजेस दिख रहे हैं आपको, दिख रहा है ना, अगर आपका वी बढ़ रहा है तो आई भी बढ़ रहा है, समझ में आ रही है, अब ये बढ़ता किस तरीके से वो भी मैं आपको समझा देता हूं, तो बढ़ेगा ऐसे, देखिए मान के चलिए एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं और इसको आपको समझा दूं, अच्छा पहले एक और चीज इसमें आपको समझा देता हूं, इतना समझ में आ गया हो तो, आप देखिए बहुत डीप में समझा रहा हूं आपको, अच्छी तरीके से समझा रहा हूं, आप बस मेरे साथ बने रहिए, जरा देखिए ये वी है और ये आई है,
ये आपका आएगा ग्राफ, समझ में आई। अच्छा ये जो आपका ग्राफ है, ये आपका ग्राफ है, ये ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, ठीक है, ये एक लीनियर ग्राफ है। तो इसमें एक्चुअल में होता क्या, मैं आपको वैल्यूज दे रहा हूं, देखिए ये टू है, ये यहां पर ये भी टू है, ये यहां पर फोर है, ये भी यहां पर फोर है, ये यहां पर सिक्स है, ये यहां पर, ये भी यहां पर सिक्स है। जरा समझिएगा मेरी बात, देखिए इसमें होता क्या, जैसे मैं एक पॉइंट पकड़ लू, मान के चलिए मैंने ये पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट ले लिया, मैंने ए बोल दे रहा हूं इसको, क्या बोल दे रहा हूं ए। तो इस पॉइंट पर मैं देखूंगा, इस पॉइंट पर जो मेरा बोल्ट है, क्योंकि इस तरफ वोल्टेज चल रहा है, बोल्ट चल रहा है, क्या चल रहा है वोल्ट, और इस तरफ करंट चल रहा है यानी एम्पियर में, इसमें चल रहा है एम्पियर में, करंट की यूनिट एम्पियर होती है। तो ये कितना हो गया, देखो इस एक्सिस पर कितना हो गया, ये कितना हो गया टू वोल्ट, कितना हो गया वोल्ट, दिख रहा है ना यार, ये जीरो से स्टार्ट होता है, ये ओरिजिन है, यहां से यहां तक दो हो गया, और इधर भी करंट आप देखोगे तो कितना हो गया टू एम्पियर, कितना हो गया टू एम्पियर। तो आप देखोगे यहां पर ये जो वी वन कह दे रहा हूं, इसको क्या कह दे रहा हूं वी वन, इसको मैं कह दे रहा हूं आई वन, समझ में आ गई। तो वी वन जो है कितना है टू वोल्ट है, और ये कितना है टू एम्पियर। तो देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं इंक्रीज कर रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं, इसको हम स्लोप कहते हैं, क्या कहते हैं स्लोप, ग्राफ का स्लोप है ये, इस स्लोप पर मैं ऊपर जा रहा हूं। तो इस पॉइंट पर मैंने देखा, सॉरी इस पॉइंट पर मैंने देखा, इस पॉइंट पर मैंने देखा कि जो वी है, जो वी है ये रहा वी, यहां से यहां तक ये जो वी है, अब जो वी है वो वी टू हो चुका है, कितना हो गया वी टू हो गया, और वी टू कितना हो गया, देखिए आपको दिख रहा होगा जीरो से फोर, यानी फोर वोल्ट हो गया, कितना हो गया फोर वोल्ट हो गया। तो अगर आपका ये फोर वोल्ट हो गया है तो आपके करंट को इस तरीके से बढ़ना चाहिए जिस तरीके से वी बढ़ा है। अब आप देखो वी पहले टू था, अब फोर हो गया, इसका मतलब वी टू डबल हो गया, यू गेटिंग ऑन नॉट, ये वी वन का डबल कर दिया वी टू, तो जो आई वन है, जो आई टू आएगा वो भी तो डबल आना चाहिए। तो देखिए आ रहा है क्या, देखिए आ रहा है क्या, आ रहा है कि नहीं बोलो, आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे चार ही पे आ रहा है, देखो आ रहा है कि नहीं। तो ये I2 जो आ रहा है वो भी कितना आ रहा है फोर एम्पियर आ रहा है, और आगे भी आप जब इसको देखोगे तो ये भी सिक्स एम्पियर ऐसे करके आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका ग्राफ होता है, आगे बात समझ में भाई। तो ये लीनियरिटी समझ में आ रही है, जैसे जैसे आप V को बढ़ाओगे वैसे वैसे I बढ़ जाएगा, जैसे जैसे आप V को कम करोगे वैसे वैसे I कम हो जाएगा। तो ओम्स लॉ का जो ग्राफ आता है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, आगे बात समझ में। अच्छा समझते हैं, और एक और चीज समझते हैं, देखिए ओम्स लॉ में हमने वी और आई की तो बात कर ली भाई, ओम्स लॉ में तो V इज इक्वल टू आई आर होता है ना भाई, ओम्स लॉ में क्या होता है V इज इक्वल टू आई आर होता है कि नहीं, ये तो होता है V इज इक्वल टू आई आर। तो आपने V और I की तो बात कर ली, व्हाट अबाउट R, व्हाट अबाउट R, तो R के बारे में अब बात करते हैं, R के बारे में अब बात करते हैं। तो जरा देखिए, जरा देखिएगा, फिर से मैं ग्राफ बनाता हूं, फिर से मैं ग्राफ बनाता हूं, जरा समझते चलिए, समझ में आ रहा होगा वैसे मेरे हिसाब से, तो समझ में आ रहा है ना भाई, समझ में आ रहा है। तो भैया समझ में आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, मोटिवेशन मिलता है यार, मोटिवेशन मिलेगा तो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस में बनाऊंगा, मेरे को मोटिवेशन दीजिए ताकि मैं बहुत अच्छी वीडियोस आपके लिए बना सकूं, मेहनत लगती है भाई। जरा देखिए, तो जैसे ये है अपना ग्राफ, ये वी है, ये आई है, समझ रहे हो। तो ये जो आपका ग्राफ है ये क्या, यही तो ग्राफ है, ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, क्या है स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो ये जो ग्राफ है ना, इसका जो स्लोप होता है, इसका स्लोप क्या है, ये स्लोप क्या है, ये रहा स्लोप का मतलब ये है कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितना ऊपर है, कितना डिग्री ऊपर है, कितना डिग्री ऊपर है, कितना एंगल रोटेट हो गया है। मान के चलिए ये ऐसे, जैसे पहले हॉरिजॉन्टल पे ऐसे था और ये थीटा डिग्री रोटेट हो गया, समझ रहे हो, ये ऐसे था, ये थीटा डिग्री रोटेट हो गया। तो स्लोप क्या हो गया, स्लोप का मतलब ये हाउ मच इट इज रोटेटेड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, हाउ मच दिस स्लोप दिस ग्राफ, हाउ मच दिस ग्राफ इज एक्चुअली रोटेटेड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू द एक्चुअल पोजीशन। तो ये यहां पे कितना रोटेट हुआ है, मैंने बोल दिया थीटा रोटेट हुआ है, आगे बात समझ। तो जो इसका स्लोप होता है, जो इसका स्लोप होता है, स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ जो होता है वो टेन थीटा होता है, क्या होता है ये आपको याद कर लीजिए, ये आप याद कर लीजिए, इसके बारे में हम, आपने अभी ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी नहीं है लेकिन ये हम बाद बाद में करेंगे, लेकिन अभी आप मान के चलिए कि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या होता है टेन थीटा होता है, क्या होता है टेन थीटा। और आपको मैं बता दूं, आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा, आपको ऊपर कर रहा हूं मैं इसी चीज को, आपको पता होगा कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है पी अपॉन बी,
इज परपेंडिकुलर एंड बी इज वेस। ये टेन थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कब लगता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। तो वी हैव टू मेक हेयर अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहां से मैं इसको बना देता हूं, तो आपको देखिएगा ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, बन गया भाई देखिए। तो मैं इसको कह दे रहा हूं ओ ए बी, तो यहां पर दिख रहा है ट्रायंगल इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ओ ए बी। आई बात समझ में, आई बात समझ में, राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी में हम बात कर रहे हैं, और इसको बी पर राइट एंगल है तो इसको हम ओ बी ए बी कर सकते हैं। आगे बात समझ क्लियर होगी। तो जरा अगर इसमें मैं टेन थीटा लगाऊं, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर होता है एंगल के सामने वाला, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो गया ए बी, तो यहां पर लिख दो ए बी, और बेस, बेस क्या हो गया ओ बी, तो यहां पर लिख दो ओ बी। आ रहा है ना समझ में, बेस जिस पर एंगल है, एंगल किस पर है हॉरिजेंटल पर, तो हॉरिजेंटल क्या है ओ बी, वो भी आ गया। अब मेरे को इनकी वैल्यूज लिखनी है, तो ये जो ए बी है, ए बी किसके पैरेलल, देखिए इसको एक रेक्टेंगल बना देते, बना दिया रेक्टेंगल। अब आपको मालूम है रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये साइड और ये साइड इक्वल होनी चाहिए, बोलो समझ में आई, और ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होनी चाहिए, बात समझ में आ रही है। तो ये ए बी किसके इक्वल होगी, इसके, इसके मान के चलो यहां पर वी है, मान के चलो यहां पर वी है, ये वी वोल्ट है यहां पर, तो ये ए बी किसके इक्विवेलेंट होगी, ओ बी के। आ रही बात समझ में, तो ओ बी जो वैल्यू है वो कोई वोल्टी तो होगी, बोलो समझ में आ रही, कोई वोल्टेज ही तो होगा ये, तो यहां से यहां तक मैंने कह दिया ये V वोल्टेज है, क्या है V वोल्टेज है, समझ में आ रही है। तो ये AB किसके बराबर हो जाएगा, V वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। आ रही है ना बात समझ में, रेक्टेंगल बना दिया भाई, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड आर इक्वल, तो AB जो है किसके इक्वल होगी, OB के, और OB क्या है एक डिस्टेंस है यहां से, और इस एक्सिस पर क्या पता चल रहा है हमें वोल्टेज, तो ये कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा, तो उसको मैंने V मान लिया, तो AB को मैं क्या लिख सकता हूं, V लिख सकता हूं। ऐसे ही इसी तरीके से ये जो बेस है, बेस है, बेस ये करंट एक्सेस है ओ बी, तो करंट एक्सेस है, तो ये यहां पर यहां तक कोई ना कोई करंट की वैल्यू देगा कि नहीं, बोलो कोई ना कोई तो करंट की वैल्यू देगा, तो मैंने उसको आई मान लिया, क्या मान लिया आई मान लिया, और मैंने इसको आई लिख दिया। आ रही बात समझ में, अब आप एक चीज समझिए, अब आप एक चीज समझिए, ये टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, वी अपॉन आई आ गया, क्या आ गया वी अपॉन आई आ गया। तो जरा इधर आ जाइए, जरा इधर आ जाइए, ओम्स लॉ बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ मैं आपसे कहूं तो बाय ओम्स लॉ क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर, और यहां से अगर आप आर निकालो तो वी आई इसके नीचे चला जाएगा, तो वी अपॉन आई, समझ में आई, वी अपॉन आई दिख रहा है। अब ये जो वी अपॉन आई आपको दिख रहा है, यहां पे भी तो दिख रहा है भाई, दिख रहा है कि नहीं बोलो, दिख रहा है, तो ये वी अपॉन आई और वी अपॉन आई की बात होगी, तो वी अपॉन आई किसके बराबर है, आर के बराबर, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं आर लिख सकता हूं, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, टेन थीटा इज इक्वल टू आर। आई बात समझ में, बोलो आर इज व्हाट, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, समझ में आई। तो ये टेन थीटा था वो क्या था, स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ, तो टेन थीटा की जगह पे क्या लिख दूंगा, स्लोप ऑफ ग्राफ, तो स्लोप ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू आर। आगे बात समझ में, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसका मतलब ये है जो स्लोप है इस ग्राफ का, ये रहा स्लोप, ये है स्लोप, ये है स्लोप, ये जो स्लोप है ग्राफ का वो आपको क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा, क्या देगा भाई, रेजिस्टेंस देगा। इस स्लोप पर, इस स्लोप पर आप कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट पर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू प्राप्त कर सकते हो, और क्योंकि रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट वैल्यू होती है किसी भी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए जिसकी लेंथ और एरिया कॉन्स्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो उस किसी भी पॉइंट पर इस स्लोप पर, मान के चलिए ग्राफ जो कॉपर के लिए है, मान के चलिए जो ग्राफ है वो कॉपर के लिए है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं इस स्लोप के किसी भी पॉइंट पर, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, एट एनी पॉइंट एट दिस स्लोप, इस स्लोप पर और इस ग्राफ पर, इस ग्राफ के स्लोप पर कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए, हर पॉइंट पर आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रेजिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट, रेजिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट, मतलब यहां पर आपको जो रेजिस्टेंस मिलेगा, मान के चलिए आर वन मिला, यहां पर आपको मान के चलिए R2 मिला, मैं आगे बताऊंगा अभी कैसे मिल रहा है, यहां पर R3 मिला, यहां पर R4 मिला, ये सब इक्वल रहेंगे, क्या रहेंगे, ये सब इक्वल रहेंगे। आगे बात समझ में, बोलो कैसे रहेंगे, मैं आपको दिखाता हूं अभी कैसे रहेंगे, मैं आपको दिखाता हूं, जरा समझिएगा, इतना समझ में आया आपको, तो आपको इस वी आई ग्राफ, तो क्वेश्चन ये बन गया, यहां पे आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट डज,
व्हाट डज द स्लोप ऑफ वीआई ग्राफ रिप्रेजेंट? क्या पूछा जाता है आपसे? व्हाट डज द स्लोप ऑफ वीआई ग्राफ रिप्रेजेंट? तो आपको आंसर मालूम है वो बताइए, क्या आंसर होता है बताइए, मालूम है ना? अभी अभी तो बताया जो स्लोप है ग्राफ का, वीआई ग्राफ का स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? रेजिस्टेंस को, आर को। तो इट विल रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। आगे बात समझ आगे होगी मेरे हिसाब से, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए से पूरी बात समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो पूरी बात समझाने की कोशिश हम करेंगे, जरा समझते चलिएगा। अभी बच्चों का एक डाउट ये भी रहता है कि ये वी आई कर रहे हो, इसको हम आई वी भी कर सकते हैं क्या? मैं इसको भी आपको बताऊंगा, आई वी भी इसको हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजेस आ जाएंगे। वो क्या आ जाएंगे वो भी हम आपको समझा देंगे, जरा समझिएगा। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया होगा आपको। मैं अब इसको हटा रहा हूँ, ये ग्राफ ये भी हटा रहा हूं मैं। अब आपको मैं थोड़ा शुरू से ये कर देंगे, रिमेंबर द थिंग, आपको ये सब लिख लेना है, बहुत अच्छी तरीके से करा रहा हूँ, आप इस सबको लिखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए भाई, समझ में आ रही है? आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो जरा समझिए, मान के चलिए अभी जो मैंने पीछे के एग्जांपल लिया था उसी को मैं पकड़ूंगा। क्या लिया था? ये मेरा स्लोप था, ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे मैंने 2 लिया था, 2 वोल्ट, यहाँ पर मैंने 2 एम्पियर लिया था, ये एक पॉइंट है, यहाँ पर मैंने लिया था 4 वोल्ट, और यहाँ पर मैंने लिया था 4 एम्पियर। ठीक है, एक और पॉइंट ले सकता हूँ, और भी कई सारे पॉइंट्स आप ले सकते हो, और यहाँ पर हमने लिया था 6 वोल्ट, और यहाँ पर हमने लिया था 6 एम्पियर। तो जरा देखिएगा हम हर एक पॉइंट पर क्या निकालने की कोशिश करेंगे। जरा देखिएगा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये वी है और ये आई है, ये इन एम्पियर चलेगा क्योंकि करंट है, और ये इन वोल्ट चलेगा, समझ में आएगी इस एक्सिस पर। ठीक है, अब जरा समझिएगा मेरी बात को। तो इस पॉइंट पर मेरे को क्या निकालना है, क्या निकालना है इस पॉइंट पर? रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस क्या होता है? वी अपॉन आई, रेजिस्टेंस भाई वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना, वी इज इक्वल टू आई आर। तो यहां से क्या करोगे, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, देख रहा है आई नीचे चला गया, आई नीचे चला गया, तो वी अपॉन आई। तो यहां पर इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस पता करना है, तो इस पॉइंट पर देखिए वोल्टेज कितना है, तो इस पॉइंट पर ये है वोल्टेज, ये किसके पैरेलल है, इसके जीरो से स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से, तो कितना ये 2e2 है, यहां तक 2e2 है, ये तो सबको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, आराम से समझ सकते हो ये सारी चीजें, तो मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है कि नहीं, चैप्टर है 10th क्लास में। तो ये 2 वोल्ट हो जाएगा, तो वी की जगह पे मैं आर ए पॉइंट है, तो मैं इसको आर ए बोल दे रहा हूँ, क्या बोल दे रहा हूँ, आर ए, और इसको बोल दे रहा हूँ वी ए और आई ए, ए पॉइंट की वजह से। तो आर ए निकालना है, तो वी ए कितना है 2 वोल्ट, और आई आई कितना, आई ए कितना है 2, तो ये क्या गया 1, और रेजिस्टेंस की यूनिट में पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, दैट इज ओम, दैट इज ओम, और इसका सिंबल भी होता है दैट इज ओमेगा, दैट इज ओमेगा। तो कितना आया आर ए, कितना है 1 ओम। तो मैंने आपसे बोला था कि स्लोप जो है हर पॉइंट पर सेम वैल्यू देगा, तो ए पॉइंट पर अगर 1 ओम आ रही है, तो बी पर भी कितनी आनी चाहिए, 1 ओम आनी चाहिए, तो देखते हैं आती है, तो ये समझ में आया। तो देखिए मैं इधर करा रहा हूँ बी पॉइंट के लिए, आर बी आर बी आर बी, तो आर बी क्या होगा, बी बी अपॉन आई, समझ में आई? तो इस पॉइंट पर निकालिए जरा, देखिए समझ भाई, तो इस पॉइंट पर देखिए वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 4, कितनी है 0 से 4 यानी 4, तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे 4 वोल्ट, समझ भाई 4 वोल्ट, और आई भी कितना है 4 एम्पियर, तो 4 एम्पियर लिख देंगे, तो 4 से 4 एक बार, तो क्या आ गया 1 ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है 1 ओम, तो ये आपका फिर से आर भी कितना आ गया 1 ओम। तो जरा देखिए पहले भी 1 ओम आया था और अब भी 1 ओम आया, आप इस पर भी निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा 1 ओम ही मिलेगा। आगे बात समझ में, इस तरीके से इस पर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। आगे बात समझ में, आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अब कर सकते हैं, आपसे कोई भी पॉइंट पर अगर आपसे वो पूछ रहा है रेजिस्टेंस, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, समझ में आ रही? अगर आपको कोई क्वेश्चन बोले, आपसे कोई बोले कि अच्छा मैं आपके लिए एक क्वेश्चन बनाता हूँ, यहीं पर आपको एक ग्राफ दे दिया, मान के चलिए आपको कोई ग्राफ दे दिया, क्या दे दिया, ग्राफ दे दिया आपको, कोई ग्राफ दे दिया, ये लो वी आई, वी आई ये आपको ग्राफ दे दिया, वो कह रहा है ये एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए ग्राफ है जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम है, क्या है 4 ओम है, तो वो आपसे बोल रहा है आपको कुछ वैल्यूज दे रखी है 2, 4, 6, जैसे पहले दे रखी थी 2, 4, 6 ऐसे, ये एम्पियर में क्योंकि करंट चल रहा है, इधर ये वोल्ट में होंगी सारी क्योंकि वोल्टेज इधर चल रहा है।
ठीक है। तो अब आपको बता दिया है कि इसका जो जिस कंडक्टर के लिए हम बात कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, आपको बता दिया। द ग्राफ इज गिवन फॉर अ पर्टिकुलर कंडक्टर एंड द रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडक्टर इज 4 ओम, है ना। तो वो आपसे पूछेगा कि फाइंड द रेजिस्टेंस एट पॉइंट ए एंड फाइंड द रेजिस्टेंस एट पॉइंट बी एंड फाइंड द रेजिस्टेंस एट पॉइंट सी। तो आप क्या करोगे बताइए, आप क्या करोगे? आप वही प्रोसेस लगाओगे जो अभी मैंने बताई, आर ए निकालोगे। क्या निकालोगे, करोगे कि नहीं भाई? आर ए निकालोगे, फिर यहां से ऐसे करोगे, फिर यहां पर वी ए अपॉन आई ए करोगे, फिर वैल्यू देखोगे कितनी है, 2/2 दैट विल बी 1 ओम, ऐसे करोगे? नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है। देखिए ये जो वैल्यू है ना, मैंने ये एग्जांपल के तौर पर ली, ये वाली वैल्यू यहाँ पे होंगी नहीं, यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी। मैं बताता हूँ आपको कैसी वैल्यूज होंगी। यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर क्या होगा, 8 होगा, यहाँ पर 16 होगा, और यहाँ पर आपका होगा 24। इस तरीके की वैल्यूज होंगी, समझ में आई मेरी बात? तो ये वैल्यूज होंगी। अच्छा आप समझिए जरा, देखिए अब मैं आपको बता दूं, क्योंकि उसने रेजिस्टेंस पहले ही दे दिया है तो आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस इज द कांस्टेंट प्रॉपर्टी फॉर अ पर्टिकुलर कंडक्टर, सो देयर इज नो नीड टू फाइंड द रेजिस्टेंस वैल्यू, बिकॉज यहां पर एक पर्टिकुलर कंडक्टर की बात हो रही है और इस स्लोप पर रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा जो कि उसने पहले ही दे दिया है। उसने 4 ओम पहले ही दे दिया, तो यहां पर आर ए विल बी इक्वल टू आर बी विल बी इक्वल टू आर सी दैट विल बी योर 4 ओम। बोलो बात समझ में आ गई? और अगर आप निकालोगे भी इस पॉइंट पर, तो देखिए आर ए इज इक्वल टू बी ए अपॉन आई ए, तो बी ए देखिए 8 ओम है, 0 से 8, तो 8 अपॉन, और ये कितना है 2, तो देखिए 4 ही आएगा, कितना आएगा 4 ही आएगा। समझ में आ रही है? यहाँ पे ऐसे केसेस में निकालने की जरूरत नहीं होती, समझ में आ रही है मेरी बात? बोलो समझ में आ रही है? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जो आपका क्वेश्चन दिमाग में चल रहा है कि भैया ने और सर ने क्या करा है कि आपने यहां पर क्या कर लिया, वी ले लिया और यहां पर आई ले लिया। मैं तो ये कह रहा हूं यहां पे आई ले लो, यहां पर क्या ले लो, आई ले लो और यहां पर वी ले लो। तो मैंने लो ले लिया। ग्राफ तो लीनियर ही है। अब देखिए अभी जो है मैं वी एंड आई में बता रहा था, अब ये आई एंड वी में हो गया। क्या हो गया? आई एंड वी में हो गया। अब ये नहीं रहा, ये हो गया, ठीक है, आई एंड वी, क्योंकि अब वाई एक्सिस पर आई आ गया। समझ में आ रही है? तो ग्राफ तो फिर से वैसे ही जाएगा, तो इसमें अंतर क्या आ जाएगा? तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है वो, व्हाट डज द आईवी ग्राफ, व्हाट डज द आईवी ग्राफ रिप्रेजेंट, जो आईवी ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो अभी आपने वीआई ग्राफ पढ़ा है, तो बच्चे क्या समझते हैं, बहुत तेजी से वही आंसर लिख के आ जाते हैं रेजिस्टेंस। क्या लिख के आ जाता है? आपने भी कई लोगों ने सोच लिया होगा एक बार के लिए कि रेजिस्टेंस इज द आंसर, लेकिन रिमेंबर द थिंग, जब रेजिस्टेंस आंसर कब था, जब वीआई ग्राफ था, लेकिन अब आईवी ग्राफ उसने दे दिया है। अब क्या दे दिया है? आईवी ग्राफ दे दिया है, तो ये बदलेगा, क्या बदल जाएगा जरा देखिएगा। तो वही है, हम इसका फिर से स्लोप निकालेंगे, क्योंकि स्लोप ही तो निकाला था, तो हम इसका स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं। तो जरा देखिएगा, स्लोप निकालना है तो फिर से टेन थीटा लगाना पड़ेगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया मैंने, ओ बी ए, जरा देखिएगा, फिर से मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। फिर से आप क्या निकालिए, स्लोप निकालिए। क्या निकालिए? स्लोप निकालिए। क्या होता है स्लोप ऑफ, अब आईवी ग्राफ है, कौन सा है, आईवी ग्राफ। तो स्लोप ऑफ आईवी ग्राफ जब आप निकालोगे तो वो टेन थीटा के बराबर होगा। ग्राफ तो टेन थीटा के बराबर होता है, और टेन थीटा यहाँ पे मैं दोबारा आपको ऊपर दिखा रहा हूं, और टेन थीटा किसके बराबर होता है, पी अपॉन बी के, और पी थीटा के सामने वाला दैट इज ए बी, दैट इज ए बी, और बेस क्या हो गया, ओ बी। अब इसको रेक्टेंगल बना दे रहा हूं ये लो, तो ये वाली साइड इसके इक्वल होनी चाहिए और ये वाली साइड इसके इक्वल होनी चाहिए, अपोजिट साइड सारे इक्वल है ना रेक्टेंगल। तो जो ए बी है वो किसके इक्वल होगी, इसके, यहाँ पे मैं वी नहीं देंगे। अब यहाँ पर देखो करंट चल रहा है, तो यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ अलग देना पड़ेगा। लेट से यहाँ पर मैंने आई पॉइंट दे दिया, क्या दे दिया, आई। तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ आई के, हो जाएगा कि नहीं, और ओ बी तो ओ बी रहना, ठीक है। तो अब इस ओ बी को देखो, ये किस पर है, करंट एक्सिस है। अब यहाँ पे क्या है, करंट एक्सिस है। अब ये करंट एक्सिस पर है, तो ये एक्सिस पर कोई ना कोई करंट की वैल्यू होगी, दैट इज मैंने कह दिया आई। क्या कह दिया मैंने, आई। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको यहां से इरेज कर दे रहा हूं, क्या कर दे रहा हूं, इरेज कर दे रहा हूं। तो यहां पर देखिएगा, जो ओ आई है ये कोई ना कोई करंट की वैल्यू देगी, है ना, और जो ओ बी है, ओ बी किस पर है, ये देख लो, यहां पे ध्यान से देखो, पहले यहां पर करंट था, अब वोल्टेज हो गया है, तो अब जो ओ बी है वो क्या देगा, यहां तक वोल्टेज देगा, क्या देगा, वोल्टेज। तो यहां पर वोल्टेज आ गया, और ये किसके बराबर चल रहा था, टेन थीटा, और किसके, स्लोप ऑफ आईवी ग्राफ, किसके,
स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ, नॉट वी आई ग्राफ, रिमेंबर द थिंग, इट इज आई वी ग्राफ। तो जरा समझिएगा, अब आपको मैं बताता हूं, जो ओम्स लॉ था बाय ओम्स लॉ क्या होगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i था। चलो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, पूरा नहीं बार बार नहीं बताता, क्या था ओम्स लॉ, v इज इक्वल टू आई आर था, और यहां से अगर आप r निकालोगे तो क्या था, v अपॉन i, यही तो था, लेकिन यहां पर तो आ रहा है i अपॉन v, क्या आ रहा है आई अपॉन बी, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा उल्टा, तो इसको उल्टा कर दीजिए, जब अगर इसको उल्टा करोगे तो ये इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा, अगर इसको चॉकलेट दोगे तो इसको भी देनी पड़ेगी, करी दो बच्चे हैं पापा के, पापा ने एक को चॉकलेट दे दी तो दूसरा तो बुरा मान जाएगा, समझ में आ रही है, तो अगर इसको आप रेसिप्रोकेट करोगे तो इसको भी करना पड़ेगा, तो ये वन अपॉन आर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन आर विल बी इक्वल टू आई अपॉन बी, आई अपॉन बी, तो आई अपॉन बी ये देख रहा है, आई अपॉन बी किसके बराबर हो जाएगा, वन अपॉन आर के, तो ये क्या देखिए बदल गया कि नहीं, अब ये रजिस्टेंस ना रहकर, अब ये रजिस्टेंस ना रहकर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टेंस, क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टेंस, तो यहां से आपको आंसर मिल गया, यहां से आपको आंसर मिल गया, वॉट डज द आई वी ग्राफ रिप्रेजेंट, आई वी ग्राफ रिप्रेजेंट द रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, आगे बात समझना, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस दिख रहा है कि नहीं, बोलो दोबारा लिख दे रहा हूं, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, समझ में दिखा कि नहीं यहां पे। अच्छा आपको एक और अच्छी बात बता देता हूं, इसी बेस पर आपको एक और अच्छी बात बता देता हूं, कि जो वन अपॉन आर है और जो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को यानी वन अपॉन आर को हम कंडक्टेंस कहते हैं, कंडक्टेंस यानी सी, कंडक्टेंस कहते हैं, क्या कहते हैं कंडक्टेंस, कोई पूछे व्हाट इज कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस इज नथिंग, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो या इसका आंसर हम ये भी दे सकते हैं, व्हाट डज द आईवी ग्राफ रिप्रेजेंट का मतलब ये भी कह सकता हूं कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और एक शब्द में ये भी कह सकता हूं, इट रिप्रेजेंट द कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर, समझ में आई, बोलो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं कंडक्टेंस, अब कोई बोलेगा कंडक्टेंस क्या होता है, अब कोई बोलेगा कंडक्टेंस क्या होता है, तो जरा समझिए, तो कंडक्ट आपको मालूम है रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज नथिंग, रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड इन द फ्लो ऑफ करेंट इन साइड द कंडक्टर, जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसके अपोज में जो कोई खड़ा होता है, मतलब करंट को जो फ्लो ना होने दे, सिंपल शब्दों में बात करें, रेजिस्टेंस इज द थिंग, और रेजिस्टेंस इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, मतलब करंट के फ्लो में एक विरोध है, क्या है विरोध है, ये विरोध करता है, करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये उसको उस डायरेक्शन में फ्लो नहीं होने देना चाहता, वो अलग बात है कि करंट फ्लो करता है अगर उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, तो समझ में आ रही है, अब जरा समझिए लेकिन आप एक बात बताइए, जनरल लाइफ से कनेक्ट करके चलते हैं, जनरल लाइफ से मतलब आपकी सोसाइटी है, सोसाइटी में देखो कोई इंसान अगर कुछ करना चाहता है तो उसको कुछ लोग सपोर्ट करने वाले होते हैं, लेकिन बहुत सारे रोकने वाले भी होते हैं, है ना, कोई भी नहीं चाहता, कोई वो कहते हैं ना आजकल लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है, तो ये वही वाली बात है कि कुछ लोग सपोर्टर्स होते हैं और कुछ लोग अपोज में होते हैं, कुछ लोग आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे, कुछ लोग आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे, आ रही बात समझना, तो यहां पर करेंट के साथ आपने ये तो पढ़ लिया कौन उसको रोक रहा है फ्लो होने से, करंट को रोक रहा है फ्लो होने से रेजिस्टेंस, तो कोई ना कोई ऐसी चीज भी तो होगी जो उसकी मदद कर रही होगी फ्लो होने में, अगर सब कुछ रोकने वाला ही हो जाता तो क्या करंट फ्लो कर पाता, समझ के देखिए, अगर हर कोई मतलब रोकने रोकने वाली प्रॉपर्टी होती कंडक्टर के अंदर तो करंट रुक ही नहीं जाता, यू गेटिंग और नॉट, तो कुछ ना कुछ करंट फ्लो भी कर रहा है, तो इसका मतलब कंडक्टर के अंदर कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी भी है जो उसको फ्लो करने में मदद करती है, अरी बात समझना, तो कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जो सपोर्ट करे फ्लो ऑफ करंट को, कंडक्टेंस इज नथिंग, इट जस्ट दैट प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच सपोर्ट्स द फ्लो ऑफ करंट, विच सपोर्ट्स द फ्लो ऑफ करंट, ये वो प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को सपोर्ट करती है, सपोर्ट्स द फ्लो ऑफ करंट, समझ में आ गई मेरी बात, तो ये और ये दोनों उल्टे हैं, आपको समझ में आ रहा है, ये वन अपॉन आर, आर में और सी में, वन अपॉन आर इक्वल टू सी, दोनों में इनवर्स रिलेशन है, अगर किसी कंडक्टर का आर ज्यादा है, अगर किसी कंडक्टर का
आर ज्यादा है तो सी क्या होगा उसका कम, रोकने वाले ज्यादा हैं तो सपोर्ट करने वाले हो गए कम। समझ में आई मेरी बात? और अगर रोकने वाले कम हैं तो सपोर्ट करने वाले हो जाएंगे ज्यादा। समझ में आई? इनवर्स का मतलब ये है कि अगर किसी कंडक्टर में, किसी कंडक्टर में उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसका कंडक्टेंस कम होगा, या फिर किसी किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम है तो उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है तो करंट तेज फ्लो करेगा, इसका मतलब उसको फ्लो कराने वाले जो प्रॉपर्टी है दैट इज कंडक्टेंस वो ज्यादा है, वो ज्यादा है। और जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है इसका मतलब उसमें करंट कम फ्लो करेगा, इसका मतलब उसको फ्लो करने वाली प्रॉपर्टी कम है उसके अंदर, तभी तो करंट कम फ्लो कर रहा है। तो इतनी बात समझ में आई? तो मैंने आज आपको दो ग्राफ समझा दिए। क्या समझा दिए? दो ग्राफ समझा दिए। तो इस आज मैं इसको यहीं पे खत्म करता हूं, और इससे आगे का हम कल रिकॉर्ड करके आपको डालेंगे। इससे आगे जो कल हम पढ़ने वाले हैं उसकी मैं बात कर देता हूं। देखिए पूरी कहानी हमने यहां पर ग्राफ के अंदर बात कर ली ओम्स लॉ के ऊपर, और हमने जो है ओम्स लॉ के ऊपर बात कर ली बेटे। और जरा देखिए मैं क्यों बार बार यहाँ पे देखता हूँ, क्योंकि ये कई बार बंद हो जाता है तो साउंड कट हो जाती है, इस चक्कर में मुझे ये देखना पड़ता है ना। तो आप सोचते होंगे ये क्या कुछ ऐसा तो नहीं है यहाँ पे जिससे उसको पता चल रहा है और बता रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं है ना। तो आज हमने पूरा ग्राफ पढ़ लिया अच्छी तरीके से। तो कल जो हम पढ़ने वाले हैं, कल हम पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस को अच्छी तरीके से। अभी हमने रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा जाना है, अब रेजिस्टेंस को पढ़ेंगे एक्चुअल में रेजिस्टेंस क्या है और वो कौन से फैक्टर्स है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ये भी हम बड़ी अच्छी तरीके से कल हम पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है कल। और फैक्टर्स पढ़ेंगे उससे पहले, इससे भी पहले हम पहले तो रेजिस्टेंस को और समझ लेंगे, है ना। और दूसरी बात हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, क्या कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, व्हाई रेजिस्टेंस अकर्स और ऑफर्ड इन द फ्लो ऑफ करंट, व्हाई रेजिस्टेंस क्यों, व्हाई रेजिस्टेंस। समझ में आई? तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद जय भारत। और हाँ, रिमेंबर वन थिंग, इफ यू लाइक द वीडियो, जेन्युइनली लाइक द वीडियो, देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन। इफ यू वॉन्ट टू शेयर दिस देन प्लीज शेयर दिस, एंड इफ यू वॉन्ट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, इफ इट हेल्प्स यू देन प्लीज 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 सब्सक्राइब दिस चैनल। आई वॉन्ट दिस वेरी वेरी मच बिकॉज इट जस्ट मोटिवेट मी। अगर मुझे मोटिवेशन मिलेगा यार तो मैं अच्छे अच्छे वीडियोज नहीं लाऊंगा। रिमेंबर द थिंग, इफ यू लाइक दिस देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट ऑल्सो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।